हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन। वेलकम टू ड्रोन एंड डॉक्टर वंस अगेन। अगर आप नए इस चैनल पे, तो इस चैनल पे हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ टेक का मतलब है टेक से रिलेटेड। तो टेक्स में आता है फोन्स, मोबाइल फोन्स, तो एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अब वीडियो बनाया है खास इसलिए कि काफ़ी लोग M30S इसके बारे में नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं। तो तभी मैंने इसका टाइटल रखा वाई सो नेगेटिविटी अबाउट सच एन ऑसम फोन। अब मैं आपको बताता हूँ क्या नेगेटिविटी फैली हुई है, और अगर आप नए लेने वाले हैं M30S और इन नेगेटिव चीज़ों की वजह से आपका दिमाग इफेक्ट हो गया और आप चाह रहे हैं कि अपना बदल दिया जाए विचार, तो प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपके डिसीजन को क्लियर कर देगा आपके माइंड में कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए M30S या नहीं। तो शुरू करते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स कवर करूँगा जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मेरे आ रहे हैं इस चैनल पे रिगार्डिंग दिस फ़ोन। और बाकी डिटेल में आपने कोई भी रिव्यू देखना तो कार्ड्स के ऊपर मैंने डाल दिया है, हर एक एस्पेक्ट पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाया। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताया जाए कि ये इस फोन का फॉर्म फैक्टर मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी काफ़ी लोगों के दिल में या दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि 6000 mAh की बैटरी वाला फ़ोन भारी है या नहीं, पतला है या नहीं, कॉम्पैक्ट है या नहीं, हैंडलिंग अच्छी है या नहीं। तो ये सब चीज़ों का आपको आंसर देता हूँ, यस। 6000 mAh की बैटरी के होने के बावजूद बहुत ही स्लिम, पतला, अमेजिंग लुकिंग, ब्यूटीफुल फ़ोन, कॉम्पैक्ट फ़ोन, वन हैंडेड कंट्रोल वाला फ़ोन ये है। तो ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये दोबारा मैंने इसलिए करी है क्योंकि काफ़ी लोग नेगेटिव काफ़ी लिख रहे हैं इसके बारे में, पॉजिटिव वाले भी हैं। तो पॉजिटिव वाले भाई प्लीज़ लिखें, नेगेटिव वाले आपके पास फिर भी कोई नेगेटिव चीज़ है तो फिर लिखें, तो मुझे कोई नया नेगेटिव पॉइंट मिलेगा तो मैं उस पर प्रकाश डाल के उस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, और पहली बात मैं बता दूं, मेरा कोई सैमसंग वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैंने ये पर्सनली अपने पर्सनल यूज़ के लिए फ़ोन लिया है। मेरे पास आईफोन लवर, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी फ़ोन है, इसी पे मेरी सारी डीलिंग वगैरह जो भी करता हूं। सेकेंडरी मैंने रखा हुआ है फ़ोन, तो मैं सेकेंडरी फ़ोन बदलता रहता हूं। तो अब मैं इसके ऊपर आया हूं और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूं इसको एज ए सेकेंडरी फ़ोन, और इसकी परफॉर्मेंस मुझे हर एक पॉइंट में, इस प्राइस पॉइंट में, प्राइस को ज़रूर ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। अगर आप इसको ये 13-14 में आप कहें चाहेंगे कि गूगल पिक्सल 4 जैसा कैमरा आपको मिले, नहीं मिल सकता, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो अब बात कैमरे की शुरू हुई है, तो पहले कैमरे की बात आपको क्लियर कर दें, कैमरा किस इसका कैसा है। काफ़ी लोगों को ये कैमरा पसंद नहीं आया, काफ़ी लोगों को पसंद आया। कैमरे का वीडियो देखना तो कार्ड्स पे है, मैंने इस पे पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया। तो देखिए सर, इस प्राइस पॉइंट में आपको कैमरा बेताज, मतलब ज़बरदस्त टाइप का कैमरा कभी नहीं मिल सकता, लेकिन जो कैमरा इसमें है वो मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि लिमिटेशन है उसके कैमरे की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जो डेली यूज़ है, जो इतना पैसा नहीं खर्चना कर चाहते और फिर भी अच्छे फ़ोन अपना फ़ोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, अच्छे वीडियो, मतलब साथ में आपको बैटरी बैकअप भी मिल रहा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर मिल रहा है, सैमसंग का ब्रांड मिल रहा है, तो उन चीज़ों को देखते हुए जो कैमरा इसके अंदर है, बैक वाला कैमरे में कोई फ्लॉ नहीं है, बहुत अच्छा काम करता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो इसका बोके वाला इफेक्ट है काम नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर है, मैं पहले भी बता चाहूँगा, वो सॉफ्टवेयर के लिए, ये DSLR या SLR कैमरा नहीं है, इसमें आपको जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर है उसके हिसाब से फ़ोटो खींचनी पड़ेगी। अगर वो कह रहा है आपके और मेरे बीच में इतना डिस्टेंस रखो तो रखो, तभी बोके आएगा। बोके का मतलब होता है पीछे जो बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है, अगर आप वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये नहीं कर पाएगा। इसमें बड़े बड़े लेंस नहीं लगे हुए हैं जो आपको बोके प्रोवाइड करेंगे नेचुरली, तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो कैमरेज पे अगर आएँ, इसके पीछे वाले कैमरेज बहुत अच्छा काम करते हैं। नाइट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो नाइट में आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि नाइट में बिल्कुल कोई ग्रेन ही ना आए, और वो बात आपको नहीं मिलेगी। तो एक लाइन में बताऊँगा कि आपको अच्छी लाइटिंग कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है ये, ठीक है। और जहाँ तक सेल्फी की बात है, सेल्फी कैमरा भी इसका काफ़ी हद तक बाकी फ़ोन जो इस कैटेगरी में है उनसे अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी लाइट की प्रॉब्लम आपको
अगर आपकी लाइट में लाइटिंग की प्रॉब्लम है, जहाँ से आप फ़ोटो खींच रहे हैं, जहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ आप संक्षिप्त में शॉर्ट इन शॉर्ट बताया जाए कि कैमरा अच्छा है या नहीं इस प्राइस टैग में, तो कैमरा अच्छा है। जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप लिख रहे हैं लोग, उस पर मत जाइए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का इशू है। सॉफ्टवेयर के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कैमरा इसका अच्छा है। बैटरी का बैकअप 6000 mAh की बैटरी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके ऊपर कूदें, इसके ऊपर चढ़ जाएं, जो मर्जी करें, उसको ढंग से यूज़ करेंगे तो ये 2 दिन का बैकअप 100% देगा विद गुड यूज़। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया कैसे इससे 2 दिन का बैकअप ले सकते हैं, मैं ले रहा हूँ, काफ़ी और लोग भी ले रहे हैं जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट किया है। नेगेटिव वाले भाई भी हैं जिनका नहीं आ रहा, तो आप सीखें उससे कुछ और अपना बैकअप बढ़ाएं। फ़ोन ये दे रहा है बैकअप, एक्सटेंसिव यूज़ पे वीडियोज़ देखें, गेम्स खेलें, सब करें, तब होगा। और एक बहुत तगड़ा कमेंट आ रहा था कि गर्म होता है ये, टकटक वाला कम हो गया पॉइंट, पहले एक टकटक वाला भी चीज़ आ रही थी, तो वो मैंने फोम फैक्टर का, मैंने वो कुछ नहीं है, एक प्लास्टिक का गिमिक है। तो हीटिंग इशू ये है फ्रेंड्स, कोई भी मशीन जब चलेगी तो गर्मी पैदा होती है, और गर्मी किसी में ज़्यादा पैदा होती है, किसी में कम पैदा होती है, तो गर्मी तो पैदा होती है। और जहाँ तक इशू है आपका कि कॉल करते हुए बहुत गर्म हो रहा है, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। मेरा नहीं होता गर्म, क्लियर कर दूँ, लेकिन मेरा आईफोन भी कई बार गर्म हो जाता है, तो ये भी गर्म हो सकता है, उसका एक कारण है। कारण यही होता है कि जब आप किसी ऐसे, जब आपकी बैटरी लो है, मतलब मीडियम से लो है, और तब आप बहुत ही ज़बरदस्त कॉल कर रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सिग्नल आ जा रहा है या कम है, 2 या 1 है, तब इसकी बैटरी को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है आपकी कन्वर्सेशन को करवाने के लिए, उस केस में गर्म हो सकता है, अदरवाइज़ गर्म नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था, और कोई भी आपका कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।